यही सुनते और पढ़ते हुए आए हैं कि हर व्यक्ति की उंगली का फिंगरप्रिंट अपने आप में यूनिक होता है। नमस्कार, मैं दीति फौजर, आप देख रहे हैं हमारे साथ नगरी मीडिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में सामने आया है कि CNN की रिपोर्ट के अनुसार US यूनिवर्सिटी की टीम ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को 60,000 से ज्यादा उंगलियों के निशान को एनालाइज करने के लिए ट्रेनिंग दी थी। मकसद ये पता लगाना था कि कौन से फिंगरप्रिंट एक व्यक्ति के हैं। रिसर्च के अनुसार अगर उंगलियों के निशान एक व्यक्ति से संबंधित हो तो ये सिस्टम 90% तक एक्यूरेट बता सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक पर रिसर्च कर कुछ टीम को दिखाया। ये स्टडी साइंस एडवांस जर्नल में पब्लिश भी हुई थी, जो फिंगरप्रिंट को लेकर अब तक की सबसे बड़ी सोच है। रिसर्च के दौरान ये सामने आया कि हर एक फिंगरप्रिंट यूनिक नहीं होता, अलग अलग उंगलियों के फिंगरप्रिंट में भी समानताएं आती हैं। रिसर्च का मानना है कि AI टूल ने पारंपरिक तकनीकों के मुकाबले उंगलियों के फिंगरप्रिंट को अलग अलग तरह के से एनालाइज किया। AI ने उंगली के बीच से लेकर सारी दिशाओं पर भी फोकस किया है। रिसर्च से जुड़ी लोगों का कहना था कि उनका डाटा बाइस्ड हो सकता है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट को लेकर नई जानकारी खोजने के लिए काफी अच्छा मौका होगा। इस तरह के टूल कई तरह की जांच में भी मदद कर सकते हैं। ये जानने में मदद कर सकते हैं कि घटना वाली जगह पर उंगलियों के निशान आरोपी के हैं या किसी और के, या उन्हें मैच करवाने में भी आप इसकी काफी हेल्प ले सकते हैं। हालांकि वे बताते हैं कि यदि इस मेथड को वास्तविक दुनिया के सिनेरियो में लागू किया गया तो वैज्ञानिकों ने एक इनोवेटिव फ्रेमवर्क में बदलाव किया है जो AI सिस्टम ने बनाया, और समय के साथ ये पहचानने और सुधारने में भी काफी फायदेमंद होगा। अलग अलग उंगलियों के निशान एक ही व्यक्ति के थे, कौन से नहीं थे, ये जानने में हमें इस जांच की जरूरत पड़ सकती है। केवल एक जोड़ी की एक्यूरेसी 70% ही थी, जबकि जोड़ियां काफी सारी दिखाई गई थी जिनकी एक्यूरेट ग्रोथ अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, जो फॉरेंसिक एफिशिएंसी के वर्तमान स्तर को 10 गुना भी अधिक बढ़ा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ।